सारण में अपराधी पूरी तरह बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। पुलिस महकमा जब तक एक घटना को सुलझाने में लगती है तब तक अपराधी दूसरी वारदात को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं। बता दें कि छपरा में लगातार दूसरे दिन भी फायरिंग की घटना हुई है और ताज़ा मामला छपरा शहर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत शक्ति नगर के समीप से आया है, जहां मंदिर के समीप घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। गंभीर रूप से जख्मी युवक छपरा शहर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत प्रभुनाथ नगर मोहल्ला निवासी पशुपति सिंह का 40 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश सिंह बताया गया है। गंभीर स्थिति में उसे छपरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए PMCH रेफर किया गया है। हालांकि उस दौरान परिजन कुछ भी बतलाने से परहेज करते रहे। वहीं सदर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उसे 2 गोली लगी है, एक कमर में लगी हुई है जो कि फंसी हुई है और दूसरा बाजू के समीप लगी हुई है। फिलहाल उसका एक्सरे कराया गया है, लेकिन स्थिति बिगड़ते हुए देखकर उसे PMCH रेफर कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिन भी छपरा शहर के 4 लेन के समीप गरखा थाना अंतर्गत मेहिया ओवरब्रिज स्थित सर्विस सेंटर पर कार की सर्विसिंग कराने के दौरान गरखा निवासी उत्सव को अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर जख्मी कर दिया था। उस दौरान भी उत्सव को 2 गोली पेट में थे, 1 गोली गले के पास लगी थी, जबकि चौथी गोली वहां पानी की टंकी में लगी थी। गंभीर स्थिति में उत्सव को भी बेहतर चिकित्सा के लिए PMCH रेफर किया गया था और उस घटना में भी पुलिस जांच कर ही रही है। तब तक अपराधियों ने लगातार दूसरे दिन शहर में गोलीबारी कर एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि उसे भी 1 गोली कमर में और 1 गोली बाजू के समीप लगी है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना को लेकर शहर में दहशत का माहौल सा बन गया है। लोग सब कह रहे हैं कि कब कहां गोली चलेगी और किसको लग जाएगी, यह कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज़ 24 छपरा। मतलब रेडी बनी जा।